आपको ग्वालियर की उन शख्सियतों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में एक महारत हासिल की है, ग्वालियर के लिए कुछ ऐसा किया है जो कि प्रेरणा स्रोत है और उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन कहीं ना कहीं आपको भी नई राह दिखाता है। तो आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, वह सिर्फ किसी एक प्रतिभा ही मैं नहीं करूंगा कि भगवान ने उनको सिर्फ एक ही प्रतिभा नहीं दी है, बल्कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। पत्रकारिता में एक उच्च स्थान पर ग्वालियर में यदि कुछ लोगों के नाम आते हैं तो उसमें सर्वोपरि नाम जिस व्यक्ति का आता है वह है डॉक्टर केशव पांडे। और डॉक्टर केशव पांडे जी आज हमारे साथ में हैं चाय पे चर्चा कार्यक्रम में। और मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छे राइटर हैं, कई किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं, साथ साथ में समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। कई ऐसे पत्रकार हैं, जब मैं पत्रकारिता की बात करूं तो कई ऐसे बड़े पत्रकार, मैं किसी छोटे पत्रकार की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में कार्य करने वाले बड़े बड़े पत्रकार जो हैं वो डॉक्टर केशव पांडे जी के द्वारा सिखाए हुए हैं और उनके मार्गदर्शन में कहते हैं कि पत्रकारिता की का सीखते हैं, जो वो सीखे हुए हैं। और उसके साथ साथ में बहुत सामाजिक उद्देश्यों को लेकर के काम करते हैं, बहुत सारी सामाजिक सोसाइटियां हैं उसमें डॉक्टर केशव पांडे जी को बतौर अध्यक्ष कहीं ना कहीं मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत के रूप में उनको जोड़ा गया है और कई संस्थाएं में खुद भी संचालित कर रहे हैं। ऐसी एक संस्था है उद्भव। ग्वालियर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यदि जिक्र किया जाता है तो उद्भव संस्था की बात न की जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। उद्भव ने इतने बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम ग्वालियर में किए हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी छोटे शहर में रहते हैं। एक बड़े शहर में किसी बड़ी संस्था के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वह डॉक्टर केशव पांडे जी ने ग्वालियर की जमीन पर करके दिखाया है। एक से एक बड़े बड़े सेलिब्रिटी को यहाँ बुलाया है और ना सिर्फ देश के बल्कि विदेश से भी लोगों को ग्वालियर में बुलाया है। हर साल बहुत सारे देशों से ग्वालियर में लोग आते हैं और ग्वालियर की संस्कृति से रूबरू होते हैं। ये सारे काम डॉक्टर केशव पांडे जी करते रहते हैं। समय समय पर कई अखबारों में अपनी बेबाक अंदाजी से वे ग्वालियर की बात रखते हैं, लेकिन इस समय उनकी जो पहचान है वह है ग्वालियर के महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी वह लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनके दुख दर्द और परेशानियों को समझते हैं और उनका निराकरण करने के लिए तत्परता के साथ महाराज से बात करके उसका निराकरण भी कराते हैं। तो ऐसे हैं डॉक्टर केशव पांडे जी, आज हमारे साथ में चाय पे चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले मैं उनका आधार लाइव पर स्वागत करूंगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। धन्यवाद। मैंने आपके स्टूडियो को आगे देखा, बहुत अच्छा है। आपके स्टाफ के लोगों से मिला, मुझे बहुत खुशी हुई मिल के। और आप जो सामाजिक सरोकार से जुड़ के अपने इस आधार लाइन को चला रहे हैं ये भी बहुत खुशी की बात है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और ऐसे जब सामाजिक सरोकार से जुड़ के जो मीडिया का जो तंत्र है काम करता है तो निश्चित रूप से समाज में बदलाव आता है, समाज में लोगों को प्रेरणा मिलती है और समाज में जो विकृति फैली है वो समाप्त होती है और रचनात्मकता बढ़ती है। सर, मैं अगर शुरुआत करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सोशल आपके काम है, पत्रकारिता के जो आपके काम है वो तो जानते ही हैं आप और लगातार वो देख ही रहे हैं, लेकिन डॉक्टर केशव पांडे एक व्यक्ति के तौर पर जैसे निकल करके आए और समाज के अंदर उन्होंने अपनी एक अमिट पहचान बना ली है, इसकी शुरुआत अगर मैं कहूँ तो जब पढ़ाई आप करते थे तो कौन से कॉलेज में आप पढ़ाई करते थे, थोड़ा सा पुरानी यादों में यदि मैं जाना चाहूँ आपकी, में तो कहाँ से आपके दिमाग में ये चीज आई थी कि मतलब बचपन में स्कूल में या कॉलेज में कि आगे चलकर के मुझे समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना है, और पत्रकारिता के संस्थान की जो आपने जो स्थापना की थी वो कैसे की थी, थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जैसा कि आपने पूछा, मैं जब स्कूली छात्र जीवन में था तब से एक हमारी संस्था थी जिसका नाम था यूथ क्लब मध्य प्रदेश। मैं चला जाता हूँ 50 साल पीछे। उस जमाने में जब 1971 में चाइना का और हिंदुस्तान की लड़ाई हुई, बाग हुआ, तो ब्लैकआउट होता था, तो हम लोग अपनी कॉलोनी में अपने लोगों से जाके लाइट बंद करने के लिए, ब्लैक फिल्म लगाने के लिए इस तरह के काम करते थे। और सेना में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए शो कराते थे चैरिटी के, बाढ़ आ रही है तो चैरिटी के शो कराते थे टॉकीज में, और पैसा इकट्ठा करके हम कलेक्टर के माध्यम से वहाँ सरकार को भेजा करते थे। तभी से ये जो
अंकुर है वो प्रस्फुटित हुए, और बहुत कम उम्र की बात है ये, क्योंकि अब तो मुझे 52-53 साल से ज़्यादा हो गए काम करते करते सामाजिक क्षेत्र में, लेकिन शुरुआत इसकी यूथ क्लब मध्य प्रदेश और एक नवयुवक संघ हुआ करता था जो हमने लक्ष्मीबाई कॉलोनी में बनाया था, तब से ये प्रारंभ हुआ। और उसके सेक्रेटरी थे हमारे राजेंद्र शर्मा जो एडवोकेट हैं, और मैं उसमें कोषाध्यक्ष था। उस जमाने में यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन नहीं हुआ करते थे, और बच्चे बड़े दुखी रहते थे कि हमने डिग्री ले ली है और कॉन्वोकेशन नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने इसका एक रास्ता निकाला और अपने क्लब के माध्यम से एक बड़ा मंच देने का तय किया, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो डिफरेंट फैकल्टीज़ के लोग जो टॉपर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, क्योंकि सबका तो कॉन्वोकेशन किया जाना संभव नहीं था, बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमने टॉपर्स का एक कॉन्वोकेशन कराया। उसमें वाइस चांसलर गोविंद नारायण टंडन जी हुआ करते थे, उनको बुलाया, और BSF में एक यहाँ डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे पांडे जी, जिनको पद्मश्री भी मिला, और उनको बुलाया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने कराया। और उन्हीं बच्चों को हम लोग 1974 में पहली बार नेपाल विदेश यात्रा अपने क्लब की तरफ से अपने कराई, और वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, ऐसे सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। उसके बाद मैं जब कॉलेज में आ गया तो मैंने BSc बायोलॉजी से की, BSc करने के बाद मैं फिर MSc मिलिट्री साइंस में चला गया, और मिलिट्री साइंस में MSc करने के बाद उस सब्जेक्ट में PhD नहीं होती थी उन दिनों, तो जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेके बांग्लादेश बना था, उस वक्त बांग्लादेश का उदय हुआ था, तो बांग्लादेश के ऊपर मैंने PhD की, और वो PhD बड़ी पॉपुलर हुई। ये बात फिर 1980 की है जब PhD हमको हासिल हुई, और मिलिट्री साइंस में वो मध्य प्रदेश में पहली PhD थी जो मिलिट्री साइंस के किसी छात्र ने की थी। हमारे गुरुजन भी जो प्रोफेसर थे जिनने पढ़ाया था, वो लोग भी PhD नहीं थे। मुझे PhD पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर जो स्वर्गीय डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गुप्ता MLB कॉलेज में हेड थे, उन्होंने कराई थी। इसके बाद ये कारवा चलता गया, जैसा कहते हैं कि मैं तो चला था एक लाई जाने में मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। फिर उसकी शुरुआत इतनी हुई है, इतना लंबा है, अब मैं ये नहीं आपसे कहना चाहूँगा कि आप किस सब्जेक्ट पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेरा सब्जेक्ट है डॉक्टर केशव पांडे जी का व्यक्तित्व, वो व्यक्तित्व जो कि अभी तक लोगों को नहीं पता है। बहुत सारी हमारी जो युवा पीढ़ी है वो ये तो जानती है कि आप इतने अच्छे काम करते हैं, लेकिन आपके पीछे के जो संघर्ष रहे हैं और उस संघर्ष के साथ ही जो रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके बारे में आज हम थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। देखिए 1977 में मैंने पहला यूनिवर्सिटी का कार्य परिषद का चुनाव लड़ा, और सबकी सद्भावनाओं से, शुभकामनाओं से, ईश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, अपने परिवार की और मित्रों की मदद से मैंने वो पहला चुनाव 22 साल की उम्र में जीता कॉलेज से निकलने के एकदम तुरंत बाद। तो आप समझ सकते हैं कि कार्य परिषद का चुनाव बहुत मुश्किल चुनाव होता है, और उस चुनाव में बहुत दिग्गज लोग थे, उनको हार का सामना करना पड़ा, मैं उसमें जीत के आया। उसके बाद से लगातार मुतवातिर तौर पर आप कह सकते हैं कि मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी में मैंने 3 चुनाव लड़े, और तीनों मैंने कार्य परिषद में मैं रहा 9 साल। तो 9 साल कार्य परिषद में रहना बड़ा काम है, और उस दौरान रह के फिर वहाँ जो एकेडमिक दिक्कतें थी, एकेडमिक डेवलपमेंट होने थे, चाहे वो MBA का डिपार्टमेंट खुलना है, चाहे वो लॉ खोलना यूनिवर्सिटी खुलनी है, या आज जो मेडिकल कॉलेज जो खुलने की बात चल रही है वहाँ गेस्ट हाउस नहीं है, या रिसर्च जर्नल्स नहीं निकलते थे जिससे हमारे बच्चे अपने आर्टिकल छपा के शोध के क्षेत्र में कोई बड़ा काम कर सकें, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में यूनिवर्सिटी के हम लोगों ने जर्नल्स निकलवाए। और फिर मैंने जो कॉन्वोकेशन नहीं हो पा रहा था वो कॉन्वोकेशन कराया, ग्वालियर के बहुत स्टॉलवर्ड जो हमारे साहित्य के क्षेत्र के थे और पत्रकार भी थे, जगन्नाथ प्रसाद मिलन जी का नाम आपने सबने सुना होगा, डॉक्टर हरियनवास द्विवेदी यहाँ के बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, उनका नाम भी आपने सुना होगा। और ये जीवाजी यूनिवर्सिटी जब बनी तो इसके जो फाउंडर वाइस चांसलर थे डॉक्टर BR भंडारकर, वो इन तीनों लोगों को हमने वहाँ डीलिट की उपाधि से सम्मानित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया, और ये माना कि इन लोगों ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, इनका सम्मान होना चाहिए। इससे पहले कभी ग्वालियर में
जीवाजी यूनिवर्सिटी में कोई इस तरह की मानद उपाधियाँ नहीं दी गई थी, ये पहला काम किया जिसमें हमें सफलता मिली। तो मैंने एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने के साथ साथ ही 1977 से केशव प्रयास नाम से एक पाक्षिक अखबार भी लॉन्च किया। 1 अगस्त 1977 से वो चालू किया और वो लगातार चला और उसमें विशेषांक बहुत तरह के निकाले गए। तो श्रम विशेषांक है, संस्कृति विशेषांक है, कथा विशेषांक है, लघु कथा विशेषांक है और बहुत सारे तरह के विशेषांक अलग अलग सब्जेक्ट पर निकाले गए। व्यंग विशेषांक है, बहुत सारे विशेषांक है, अगर उनको गिनते जाएंगे तो केवल वो निकाले नहीं, उन पर चर्चा कराने के लिए देश के बड़े बड़े लोग, मनमोहन दास गुप्त शहीद विशेषांक निकाला तो वो आए, जो काकोरी कांड में चंद्रशेखर जी के साथ थे, आपको मालूम होगा बहुत बड़ा नाम था, ग्वालियर को लेके आए, शशिभूषण वाजपेयी जी को यहाँ लेके आए और बहुत बड़े बड़े लोगों को यहाँ समय समय पर हम लाते रहे। और ग्वालियर की जो साहित्य की बड़ी धरोहर बड़ी प्रतिभाएँ रही, प्रकाश दीक्षित जी के ऊपर एक विशेषांक निकाला, आनंद मिश्र जी के ऊपर निकाला, वीरेंद्र मिश्र जी के ऊपर निकाला, इस तरह के बहुत सारे काम जो अखबार वाले सामान्य तौर पर करते नहीं हैं वो निकाल के हमने ये कोशिश की कि इस मिट्टी ने जिसने हमको बड़ा किया, पाला पोसा, बढ़ाया, इसके जो इसका जो ऋण है हमारे ऊपर वो हमको चुकाना है। फिर सारे देश की फिर इसके बाद 2 अक्टूबर 1988 को, चूंकि ग्वालियर में कोई सामने समाचार अखबार नहीं था तो उस पूरे उत्तरी क्षेत्र में नहीं था, ग्वालियर से लेकर भिंड मुरैना सुपरी गुना दतिया तक चले जाए, तो एक नया प्रयास किया गया। ग्वालियर में ग्वालियर चंबल सांध समाचार के नाम से एक बहुत अच्छा अखबार निकाला गया 88 में और उस अखबार की ऐसी धाक रही कि चूंकि पहला अखबार था, शाम का अखबार था, रात के 12 बजे के बाद जो घटनाएँ होती हैं वो सुबह के अखबार में नहीं छप पाती थी, तो उन खबरों को हम अपने अखबार में सुबह छाप देते थे और दोपहर में 2 और 3 बजे वो मार्केट में बिकने चला जाता था और लोगों को मालूम पड़ जाता था कि इस बीच में जब जो गैप है ये, इसमें जो घटना दुर्घटना या कोई बड़े डेवलपमेंट हुए उनकी जानकारी लोगों को मिलती थी और लोग इस अखबार का इंतजार करते थे। सांध समाचार एक ब्रांड बन गया था इस क्षेत्र में, तो वो बहुत बड़ा काम किया। उसके बाद तो फिर अभी आपने मीडिया कन्वेंशन सेंटर में कई स्थापना की है, हाँ अभी उसके पीछे क्या उद्देश्य था? उसके पीछे उद्देश्य है कि ग्वालियर में जो एकेडमिक एक्टिविटीज होती है, चाहे वो पत्रकारिता से संबंधित हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे साहित्यिक हो या और भी किसी तरह की, कोई लेक्चर्स होना है, कोई आपको सेमिनार करना है, उसके लिए एक बढ़िया स्मार्ट सिटी कहते हैं ग्वालियर को, तो एक स्मार्ट सेंटर तो कम से कम हो, तो उस दिशा में प्रयास किया। मैंने देखा आपने जब बुलाया था काफी अच्छा और मतलब काफी कॉस्टली, मतलब मेरे ख्याल से पूरे उत्तर मध्य भारत में मतलब ऐसा पहला सेंटर होगा ये। बिल्कुल पहला सेंटर है ना, इसका रिस्पांस कैसा मिल रहा है सर? ग्वालियर में रिस्पांस तो अच्छा नहीं है, ये बहुत दुख की बात है कि जितना उपयोग होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्यों अभी लोग होटल की संस्कृति से बाहर नहीं आ रहे हैं, होटलों में कार्यक्रम करना पसंद करते हैं और वहाँ सारी व्यवस्थाएं आपने दे रखी हैं, सब कुछ दे रखी है, वहाँ इंटरनेट है और बहुत बड़ा 80 इंच का एक टीवी है, आप उसमें पूरे देश में जुड़ सकते हैं इंटरनेट से, आप बातचीत। क्या चार्ज रहता है वैसे उसका? उसका चार्ज बहुत कम है, बहुत मामूली 5,000 रुपये का चार्ज है, लेकिन होटलों में लोग ज़्यादा पैसा दे देते हैं और होटल में क्या कमी रह गई उसमें, मतलब स्नैक्स वगैरह जैसे होटल में मिल जाते हैं, मतलब नाश्ता वगैरह की व्यवस्था रहती है? तो वो स्नैक्स वहाँ सबको अलाउड है। अच्छा, स्नैक्स कोई भी ला सकता है जी, चाय पानी का सब इंतजाम हो सकता है, लेकिन लोग आना शुरू कर रहे हैं, वैसे शुरू हो गए हैं। अच्छा, और धीरे धीरे आ रहे हैं। कितने लोगों की वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस? 60 लोग बैठ सकते हैं। 60 लोग? 60 लोगों की कैपेसिटी है और बीच पड़ाव पर मतलब शहर के मध्य में? हाँ, मध्य में है और जैसा कि आपने बताया कि भाई हम स्मार्ट सिटी मानते हैं अपने ग्वालियर को जी, स्मार्ट सिटी में एक स्मार्ट कन्वेंशन सेंटर तो होना चाहिए ना जी, तो उस कमी को पूरा करने का हमने प्रयास किया उस सेंटर के माध्यम से और मेरी पत्नी के नाम पर वो समर्पित किया गया है स्वर्गीय श्रीमती प्रवीणा पांडे के नाम पर जी, और मेरे बच्चे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है संकल्प पांडे और डॉक्टर संस्कार पांडे जी, उनके प्रयत्नों से वो बना है। बिल्कुल, और बहुत सुंदर बना है, मैंने तो देखा है, एक बार आप भी जरूर देख के आइए। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ग्वालियर के अंदर इतना अच्छा मतलब वो सेंटर है कि अगर आप उसको देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, बहुत ही बहुत अच्छा। सर अभी आपने अपनी धर्मपत्नी जी के बारे में चर्चा की, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जब आप सामाजिक क्षेत्रों में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं तो
तो परिवार को कितना समय दे पाते थे? और धर्मपति जी ने कभी आपसे शिकायत की थी? आज तो वो नहीं है, लेकिन कभी आपसे शिकायत की थी मुझे कम समय दे रहे हो, ग्वालियर के लोगों को ज्यादा समय दे रहे हो, या सपोर्ट करती थी? अगर वो शिकायत करती तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। उन्होंने पूरा फुल सपोर्ट किया, कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी बात को लेकर हम लोगों में रात तकरार नहीं हुई। हालांकि वो बैंक में सर्विस में भी थी, तो देखिए डबल लोड था उनके ऊपर कि बैंक में नौकरी करना और बैंक की नौकरी के साथ बच्चों को संभालना, घर को देखना, और हम जैसा आदमी जो हमेशा दिन में बाहर रहता है, रात में भी लेट आता है, तो इस सब चीज़ों को सामंजस्य बिठाना, तो वो बिल्कुल इस मामले में उन्होंने हमको फ्री कर रखा था कि आपको जो अच्छा लगे जैसा करना चाहो वैसा करो, प्रगति करो, आपके मन को अच्छा लगना चाहिए। तो उन्होंने पूरा साथ दिया और तहे दिल से दिया, बच्चों ने भी साथ दिया, अन्य घर के लोगों ने भी साथ दिया, तभी मैं इन ऊंचाइयों पर पहुंच पाया हूं। तभी आप इन ऊंचाइयों पर पहुंच पाए हैं। जब वो चली गई तो आप चूंकि कवि भी हैं, लेखक भी हैं, ऐसी कोई बात आपने उनके लिए लिखी हो उनके जाने के बाद जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, उन मतलब अपनी धर्मपत्नी जी के लिए? देखिए वो बहुत दयालु और करुणामय थी। जैसे घर में बाइयाँ आती हैं तो उनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका इलाज करना, और कोई अपने परिवार में आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग होते हैं जो बैठ पाए, कि जो मेरा स्वभाव था जो मैं करना चाहता हूँ उन कामों में उनकी भी रुचि थी, तो वो घर संभालने के साथ साथ इन सब कामों में भी अपना सहयोग करती थी। फिर आप बात करेंगे तो बहुत सारे काम है, गरीबों के लिए फ्री एलोपैथिक इलाज हम लोग कर रहे हैं और 15 लाख से ज़्यादा लोगों का फ्री इलाज। आप मतलब किताबें भी आपने बहुत सारी लिखी है, कोई किताब आपने उनके लिए लिखी है? कोई उनके लिए समर्पित की है मैंने जी। एक किताब अभी आने वाली है। क्या नाम है उसका? एक किताब आ चुकी है जी। एक बांग्लादेश के ऊपर है जिसपे मैंने PhD की जी। वो किताब आ चुकी है और मैंने उनको समर्पित की है। और एक किताब और आ रही है, रोड मैप ऑफ सक्सेस। जैसे भी आपने बताया कि जो मेरे संपर्क में 50 साल में इतने लोग आए कि किसके मेरे संपर्क में आने से कोई सुसाइड करने से बच गया, किसी कन्या की शादी नहीं हो रही, किसी का कोई बड़ा ऑपरेशन होना है, किसी का एडमिशन होना है, किसी की नौकरी लगना है, तो ऐसे जो बड़े काम थे जिससे जीवन में परिवर्तन आया और लोग हमसे मिले, उनको उससे सुकून मिला भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा बांधा हुआ अपने ऊपर। पत्रकारिता में तो आपने बहुत कुछ बताया हमारे दर्शकों को, राजनीति में आपने शुरुआत तो हालांकि बताया कि आपका जो कॉलेज का जो समय था उसी समय से आपने राजनीति में प्रवेश कर लिया था और आपने जीत भी हासिल की थी, फिर आपने पार्षदी का भी शायद एक चुनाव लड़ा था। मैंने 1994 में चुनाव लड़ा नगर निगम ग्वालियर का और वो पार्षद का चुनाव था, स्कूटर चुनाव चिन्ह था, मैंने निर्दलीय लड़ा था जी। तो आप समझ सकते हैं उसके बाद से एक लंबा गैप हो गया सर, मतलब इतने सारे चुनाव निकल गए, मतलब तो फिर बीच में इच्छा कभी हुई मतलब चुनाव लड़ने की? फिर मेरा वार्ड असल में महिला और OBC हो गया था लेकिन एक काम जो है जो अधूरा रह गया उसको पूरा करने की इच्छा तो होगी? नहीं, इच्छा तो अनंत होती है, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है और हम उन कामों को करने में लगे भी हैं। तो ईश्वर ने हमको सफलता दी है कि हम अपना खुद का अस्पताल अब बना रहे हैं। अभी हमारे पास बिल्डिंग नहीं थी लेकिन अभी इस 9 दुर्ग आने वाली है। तो नहीं, ये हम सामाजिक बात कर रहे हैं, मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ। राजनीतिक इच्छाएं थी और वो राजनीतिक इच्छाएं हमने त्याग दी, इसलिए हमने त्याग दी कि राजनीति में जिस तरह की भागदौड़ और जिस तरह का कॉम्पिटिशन और जिस तरह का ढंग है लोगों का काम करने का, उसमें हम कहीं अपने को असहज महसूस कर रहे थे क्योंकि वो सब काम हम नहीं कर पा रहे हैं कि जो टिकट लेने के लिए लोग करते हैं या राजनीति में कोई पद लेने के लिए कर पाते हैं, उसमें हमने अपने आप को थोड़ा कमज़ोर समझा और ये माना कि हम उसमें फिट नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमने आप अपने आप को उससे विड्रॉ करके। आप ये बात कह रहे हैं लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस जगह आप बैठे हैं है ना, वो जगह राजनीति का मध्य भारत का मतलब केंद्र बिंदु है। आप महाराज सिंधिया जी के यहाँ पर जनसंपर्क अधिकारी के रूप में बैठ रहे हैं, आधी राजनीति तो आप कर ही रहे हैं, मतलब इतना पावर तो आपके पास है जितना विधायकों और पार्षदों के पास नहीं होता है। तो ये ईश्वर की कृपा है ना, मैं ये कहता हूँ कि राजनीति में जो भी लोग आते हैं कुछ लोगों को छोड़ दीजिए आप, जो एक्सेप्शनल होते हैं उनको छोड़ दीजिए, जो बहुत बड़े स्टॉलवर्ड होते हैं
बाकी एमएलए एमपीओ मंत्री बनने के बाद राजनीति का हर आदमी कूड़ेदान में एक दिन जाता है, लोग उसे भूल जाते हैं, लोग याद नहीं रखते कि यहाँ कौन एमएलए था कौन मंत्री था। और जो मंत्री थे 10-10, 15-15 साल, आज उनके घरों पे आप अगर जाएं तो देखेंगे आपको वहाँ कोई मिलेगा नहीं जिनके यहाँ भीड़ लगती थी। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा ये कि सामाजिक काम किया जाए। मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई, लाजपत राय जी ने गणेश उत्सव खड़ा किया, और बड़े बड़े जो विवेकानंद जी थे और लोग थे उन्होंने सामाजिक काम करके एक ऐसी चीज बनाई कि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक लोग उनको कभी भूल नहीं सकते। सिंधिया परिवार से कैसे मिलना हुआ आपका, मतलब कैसे आप उनसे जुड़े? सिंधिया परिवार से सामाजिक कार्यों के माध्यम से ही मैं मिला, और खासतौर से मैं आज आपको बताऊं और लोग अगर उसको समझें तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पत्रकारिता की वजह से मेरा उनसे संपर्क आया, क्योंकि मैं जो अखबार निकालता था तो उसमें मैं स्टोरी लिखता था, इंटरव्यू करता था अच्छे अच्छे लोगों के, और वो एक छोटा अखबार था, बहुत पाक्षिक अखबार था, लेकिन उसमें जो चीज़ें छपती थी वो इतनी प्रभावशाली होती थी कि हर बड़े से बड़ा आदमी उसको पढ़ता था। मधुराव सिंधिया जी भी, राजमाता जी भी, कोई ऐसा नहीं था कि उसे ना पढ़ता हो, पढ़ने के बाद उसको वो अप्रिशिएट करते थे, रिएक्शन करते थे अपने, तो उनको ये लगा कि ये अच्छा लड़का है, इसको अपने मधुराव सिंधिया जी, हाँ उनको ये उन्होंने मुझे पहचाना, और पहचानने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर अपना स्नेह का हाथ रखा, और उनकी वजह से ही मैं लीडर अपोजिशन बना नगर निगम में जी, क्योंकि मैं तो निर्दलीय लड़के आया था जी, उन्होंने ही मुझे फिर कांग्रेस की सदस्यता उस वक्त दिलाई थी, और दिलाने के बाद फिर लीडर अपोजिशन बनवाया था। पहली बार में जीतने के बाद पहली बार ही आप लीडर अपोजिशन बन जाए, ये महत्वपूर्ण बात होती है, इतना आसान नहीं होता है। उस वक्त भी 60 वार्ड थे, अब 66 हो गए। तो सिंधिया जी का जो अकस्मात निधन हुआ, उनका जो एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से बहुत लोगों का नुकसान हुआ, राष्ट्र का भी नुकसान हुआ, क्योंकि हम उनको आगे आने वाले प्रधानमंत्री के रूप में देखते थे। बिल्कुल, पूरा ग्वालियर देखता था और पूरा मध्य प्रदेश भी देखता था। तो लेकिन मैं थोड़ा सा इस पारिवारिक आपके जो रिश्ते बन गए सिंधिया परिवार से, इसी पे थोड़ा सा मेरा अगला प्रश्न है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के करीब थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के उतने करीब नहीं रह पाए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे उनके करीब नहीं रह पाए, लेकिन आप माधव सिंधिया जी के भी करीब थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भी बहुत करीब हैं। देखिए, मैंने ये देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी पुराने अपने उनके पिताजी के साथ के लोगों को छोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल वो ये चाहते हैं कि मेरी जो जो टीम है, जो विरासत है, जो महाराज छोड़ के गए, उसको वो पूरा साथ लेके चलना चाहते हैं, और बड़ी संख्या में लोग उनके साथ में भी है। कुछ लोग अति महत्वाकांक्षी हैं, या वो ये चाहते हैं कि जीवन भर उनको बहुत बड़ा सब कुछ मिलता रहे, बाकी लोगों को मिले या ना मिले, तो वो उस तरह से काम करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि बहुत साल अगर वो किसी बड़े पद पर रह लिए तो आप वो संगठन में काम कर रहे हैं, उस परिवार ने जिसने उनको आगे बढ़ाया उसके लिए काम करें, ये वो नहीं चाहते। तो जो उनकी अति महत्वाकांक्षा है तो उसकी वजह से वो एक दल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में बार बार जाके और उन्होंने अपना काम किया जो उन्हें अच्छा लगता है, जैसा उनको अच्छा लगता है, उनका आउटलुक है, उनका उसके बारे में मेरा कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं होता। जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं, है ना, मतलब जितने लोग हैं, मतलब जो सिंधिया जी के साथ आज नहीं है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सर, उनमें से एक आपके साथ भी थे, आपकी संस्था में भी एक उच्च पद पर थे, लेकिन आजकल वो बहुत ही ज्यादा मतलब है ना अटैकिंग मूड में रहते हैं सिंधिया परिवार के ऊपर, कभी उनको सिंधिया परिवार का बहुत ही खास समझा जाता था, इसके पीछे क्या उनका दुख है, क्या तकलीफ है उनकी? कोई दुख तकलीफ नहीं है, अब वो बहुत सीनियर हैं, हमारे बड़े हैं, और हम उनको हमेशा आदर करते रहे हैं, आज भी हम उनका आदर करते हैं, इसलिए मेरा कोई लेवल नहीं है कि मैं उनके बारे में कोई बात करूं। ये उनका अपना सोच है, और क्या वो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज आपसे उनका बातचीत होती है? बातचीत हमारी सबसे होती है, सामाजिक रूप से सबसे मिलना जुलना होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से मैंने ये माना कभी कि आपने उनसे बात की कि मतलब आप हमारी संस्था के इतने बड़े पद पर थे, महाराज के भी इतने गरीब थे, आइए फिर से साथ में काम करते हैं। हमने तो बहुत इच्छा व्यक्त की, और लेकिन वो चाहते थे कि अब भाई मैं इनके साथ नहीं रह सकता हूँ, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे उनके साथ काम कर रहे हैं या जैसा भी काम कर रहे हैं आप। और उन्होंने कभी इस बात के लिए रोका भी नहीं, रोका कि आप मेरे साथ काम कर रहे हैं वहाँ काम ना करें,
पंडित माधव सिंधिया जी और ज्योतिराज सिंधिया जी दोनों के व्यक्तित्व में आप क्या डिफरेंट महसूस करते हैं, क्या अंतर देखा है आपने? माधव सिंधिया का जो व्यक्तित्व था बहुत विराट वट वृक्ष की तरह था, समावेशी था, और उनका ये मानना था कि जो आखिरी छोर पर इंसान खड़ा हुआ है उसके जब तक आप आंसू नहीं पहुँचेंगे तब तक आप देश को खुशहाल नहीं बना सकते, और इसके लिए वो दिन रात प्रयत्न करते थे, लगे रहते थे, और बहुत दूरदर्शी थे, बहुत मेहनती थे। उन्होंने ये मालनपुर वामा खड़ा किया, आपको मालूम है अगर ये ठीक से चल जाता, सरकारें इन पर ध्यान देती राज्य की, तो आज पीथमपुर से बड़ा ये होता और ग्वालियर इंदौर से भी आगे होता। बिल्कुल, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि यहाँ के जो कुछ ऐसे एलिमेंट थे कि जिनने उन सबको नहीं पनपने दिया, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब आज इन्वेस्टर्स मीट और ये सब लगातार हो रही है, ये सब इसीलिए हो रही है कि ग्वालियर का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो रुक गया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पिता के पदचिन्हों पर चल के वो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुक गया उसको लेके अभी थोड़े दिन पहले ही आपको याद होगा बहुत बड़ी इन्वेस्टर मीट कराई, बहुत सारे उन्होंने इन्वेस्ट कराने के लिए बड़े बड़े लोगों को लेके आए, वो अडानी को लाए, रिलायंस को लाए, और अभी उनने जो बड़े महाराज ने काम किए हैं या उनके जो सपने थे या वो जिन कामों को करते करते बीच में छूट गए थे, जैसे साडा यहाँ जो बनना था नया ग्वालियर नहीं बन पाया, वो नहीं बन पाया, पिछले 35-40 साल से वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको उन्होंने टेकअप किया है। जो गुना इटावाला की लाइन थी जो कलकत्ता तक जानी थी, जो 30 साल पहले उन्होंने मंजूर कराई थी, 35-40 साल पहले जब रेलवे मंत्री थे, उसको उन्होंने अभी पूरा कराया है। जो ग्वालियर में एक राजमाता के नाम से एक छोटा सा एयरपोर्ट बना था जो कैलाशवासी माधवराव जी ने बनवाया था, उसको और सुंदर और अच्छा उन्होंने 500 करोड़ का एक अंतर्राष्ट्रीय बनवा दिया है एरोड्रम, आपने देखा होगा। वो नया रेलवे स्टेशन जब वो रेल मंत्री थे महाराज उन्होंने इसको चमकाया था, अब उसको और कई गुना अधिक चमकाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए वो प्रयत्नशील है, और 1-8 साल के अंदर वो बन जाएगा, तब तो आप देखेंगे ग्वालियर में क्या चीज़ बनी है। ग्वालियर में जैसे ट्रैफिक की समस्या है तो एलिवेटेड रोड, मतलब आप ये मानते हैं कि माधव सिंधिया जी ने जो सपने देखे थे जो अधूरे रह गए उनको ज्योतिराज सिंधिया जी पूरा करने में लगे हुए हैं, और जल्दी वो पूरे भी होंगे, और उनकी काम करने की जो स्पीड है जी वो बहुत जेट विमान की तरह उनकी स्पीड है जी, और क्वालिटी वर्क कराना चाहते हैं, और उसके लिए वो 16-18 घंटे काम करते हैं, और अभी उनकी उम्र भी है काम करने की। बिल्कुल, और निश्चित रूप से ग्वालियर का अगर कुछ भला हुआ है, सफल संभाग का भला हुआ, तो उसमें मैं मानता हूँ कि सिंधिया खानदान के जो मुखिया के रूप में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनकी वजह से होगा। ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय मैच होने वाला है, यहाँ बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन गया है, और उसकी इतनी श्रृंखला है कि अगर उसको गिनाया जाए तो पूरा एक एपिसोड उसी पे हो जाए, पूरा एक एपिसोड जी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो सत्ता परिवर्तन किया था राजमाता सिंधिया जी के बाद में, फिर से उन्होंने वो साहस दिखाया, हालांकि माधव सिंधिया जी के जीवन में भी ऐसा एक पल आया था जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और मध्यप्रदेश विकास कांग्रेस बनाकर के चुनाव लड़े थे, लेकिन जो साहस ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिखाया, क्या आपको लगता है कि इसके लिए मतलब है ना राजमाता जी की प्रेरणा उनको कहीं ना कहीं काम आई? देखिए डीएनए होता है, आपके जो डीएनए होगा उसका प्रभाव आपके जीवन में, आपके कार्यशैली में, आपके चरित्र में, आपके व्यक्तित्व में वो झलकेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या माधवराव जी सिंधिया हो या राजमाता सिंधिया की आप बात करें, ये सब वो लोग हैं कि इन्होंने राजनीति को राजनीति के लिए नहीं किया, इन्होंने राजनीति जनसेवा के लिए किए, उसको राजनीति को प्लेटफॉर्म मानते हैं जनसेवा का। और जब उनके अपमान होता है, जब इनके सम्मान के विरुद्ध कोई बात होती है, उस पर इनको जब कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता है गलत तरीके से, तो वो उसको बर्दाश्त कभी नहीं करते हैं। ये इनके हमेशा आपने देखा होगा कि राजमाता साहब ने डीपी मिश्रा की सरकार गिराई, इसी प्रकार से सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी माधवराव जी ने और विकास कांग्रेस में उनके चुनाव जीत के बताया। इसी हिसाब से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जो अपमानजनक बात कमलनाथ जी ने और दूसरे नेताओं ने की, जो बर्दाश्त से बाहर जब हो गई, तब उन्होंने ये स्टेप उठाना पड़ा, और आज आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सांसद बीजेपी के जीते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो काम करने का ढंग है उससे शिवराज सिंह की सरकार बनने के बाद फिर दोबारा डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी की सरकार बनी है,
तो ये जो आखिरी कील जिसे कहते हैं ताबूत में गाड़ने वाली, वो काम ज्योतिराज सिंधिया जी ने किया है। और कांग्रेस का ऐसा आरोप है कि हम मतलब सिंधिया जी जो थे यहाँ तो महाराज थे, लेकिन वहां पर गए तो चौथी या पांचवी पंक्ति के नेता बन गए। देखिए हर पार्टी का अपना कल्चर होता है। कांग्रेस में थे तो चूंकि वो बहुत काम करते थे, उनके पिताजी की शहीदी राजनीतिक परिस्थितियों में हुई कानपुर में, जब वो चुनाव के प्रचार के लिए जा रहे थे तो उनका वहाँ भी बहुत बड़ा दर्जा था। और जब यहाँ आए तो आप देख रहे हैं कि जो ऑर्बिट है, एक जो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द है, पाँच छः लोग हैं जो, जिसमें आप गडकरी साहब को कह सकते हो, राजनाथ सिंह को, वैष्णो जी को, फाइनेंस मिनिस्टर को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, ये उस ऑर्बिट के लोग हैं जो आज पूरे देश को चलाने में बड़ी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। और आपने देखा कि जिस स्तर के नक्शे पर ला के खड़ा कर दिया, हम लोगों को खुशी है कि हमको एक ऐसा नेतृत्व मिला है। ग्वालियर चंबल संभाग पूरे का फायदा हो रहा है, गुना से ऊपरी अशोकनगर से लेकर भंडमौरना ग्वालियर सबका फायदा हो रहा है। और आने वाले समय में मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से आप साल दो साल में ही देखेंगे कि आपको बदला हुआ नक्शा दिखाई देगा। और ये उनकी जो कर्मठता है, जो पारदर्शिता है, राजनीति में पारदर्शिता बहुत जरूरी होती है। सिंधिया जी बिल्कुल एक ऐसे पारदर्शी व्यक्तित्व है कि जो कहते हैं वो कर बोलते हैं, जो उनका दिल कहता है वो करते हैं। वो दिमाग से कोई इस तरह के काम नहीं करते हैं जो राजनीतिक लोग करते हैं जी, वो दिल की बात सुनते हैं, दिल की बात सुनते हैं। ग्वालियर के लोगों में कुछ चर्चाएं इस तरह की होती है कि जब कांग्रेस में थे सिंधिया जी तब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के ग्रुप थे, अभी जब बीजेपी में आ गए हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के ग्रुप और सिंधिया जी के ग्रुप में कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? सिंधिया जी के मुंह से आपने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी होगी कि जहाँ ये झलके कि वो अपना अलग से वर्चस्व साबित करने के लिए कोई काम कर रहे हैं। वो हाईकमांड के निर्देश पर पार्टी को मजबूत करने के लिए जो जो काम करने होते हैं उसको करते हैं, और हर विवाद से वो दूर रहते हैं। वो कभी पार्टी बंदी में, एक दूसरे का नुकसान करने में, एक दूसरे का अनादर करने में, इस तरह के काम को करते नहीं है। ये छुटवैये लोग करते रहते हैं, और छुटवैये लोगों के करने से वो तो एक सूर्य के समान है, अगर आप कीचड़ फेंकेंगे तो कीचड़ आपके ऊपर गिरेगी। और आपने कभी भी एक शब्द नहीं कभी सुना होगा किसी ऐसे नेता के विरुद्ध जो उनकी पार्टी का है, चाहे वो उनके बारे में कुछ भी सोचते हो या उनके लिए वो कुछ भी करते हो या जो भी राजनीति उनके खिलाफ चलती हो, लेकिन वो उसका जब समय आता है तो समय पर वो उसका जवाब देती, माकूल जवाब देते हैं। वो भी सब आपके सामने है जो उन्होंने जवाब दिए, लेकिन वो कोई हल्की बात या कोई ऐसी बात नहीं करते हैं जो करना पार्टी के हित में ना हो जी। सर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब मेरे दिमाग में आ रहा था, कुछ चर्चाएं इस तरह की होती हैं तो मैं भी सब जगह जाता हूं तो बातचीत होती है। हम व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर बहुत सारी जो आर्टिकल हम पढ़ते हैं, आप जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं उनका पढ़ के हम सीखते भी हैं, तो जब आप लिखते हैं तो मैंने देखा है कि आपकी लेखनी में सिंधिया परिवार के प्रति जो प्रेम है वो आपकी लेखनी में दर्शता है और कहीं ना कहीं वो हमको झलक मिलती है। आप इतने सुंदर शब्द इस्तेमाल करते हैं, मतलब इतनी बड़ी से बड़ी आप उनके ऊपर अगर आर्टिकल लिखते हैं तो इतने सुंदर सुंदर शब्दों को लिखते हैं। एक और साथी है आपके, मैं नाम उनका भी नहीं लूंगा, लेकिन लगातार वो भी व्हाट्सएप पर लिखते हैं और वो हमेशा सिंधिया परिवार को के ऊपर कटाक्ष करते हैं, ठीक है? तो ऐसे जो पत्रकार हैं, ठीक है, और आप भी पत्रकार हैं, मेरा नजरिया ये कहता है कि मतलब क्या पत्रकार को किसी सांसद या विधायक के यहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में बैठना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आप एक जगह बैठ गए तो आप एक पक्ष ही रह जाते हो, दूसरे पक्ष की तरफ आप नहीं सुन पाते हो, तो ऐसी कोई आपको कभी आलोचना सहनी पड़ी? मुझे आलोचना कभी नहीं सहनी पड़ी। मैं जब कांग्रेस में था तब भी मैं व्यक्तिगत संबंधों को अपने निभाता था, और चाहे बीजेपी के नेता हों, चाहे बीजेपी के कार्यक्रम हों, चाहे संघ के भी कार्यक्रम हों, उन कार्यक्रमों में एक बार मैं नहीं कई बार गया हूँ। और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे और तमाम बड़े नेताओं ने मेरा सम्मान भी किया है, और हमारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने बड़े दिल के आदमी हैं, सिंधिया परिवार का इतना बड़ा दिल है कि कभी भी उन्होंने इन सब कामों के लिए हमको रोका नहीं कि आप हमारे साथ हैं तो आप वहां क्यों जा रहे हैं। आपका कहना पत्रकारिता आपकी स्वतंत्र चल रही है? स्वतंत्र चल रही है कभी। अच्छा, लेकिन जो स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, जो हमेशा टारगेट करते रहते हैं, उनके टारगेट पे हमेशा सिंधिया परिवार रहता है, ऐसे पत्रकारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि वो काफी सीनियर है, मैं उनको काफी सीनियर भी मानता हूँ,
लेकिन जब मैं देखता हूँ एक पक्षी होती है तब मुझे प्रश्न चिन्ह तो उठाना पड़ता है। उसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि जो बड़े लोग होते हैं जी, उनके बारे में जब कोई उनसे बहुत छोटे लोग जो होते हैं हर तरह से जब कोई बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि उसके उनकी नंबर ज्यादा मिल रहा है जी, और उनकी रेटिंग बढ़ रही है जी, उनके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, उनसे उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। क्योंकि आप जब बड़े आदमी को कुछ बुरा भला कहेंगे तो अपने यहाँ चूंकि समाज में विकृति है और बुरा भला लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप उस उनके सहारे से उनको बुरा कह के अपने को स्थापित करने में वो लगे रहते हैं। जब वो कांग्रेस में थे तब बीजेपी में भी कुछ ऐसे नेता थे जो सुबह से शाम तक उनको घर आते थे, उनके बारे में तरह तरह की बातें करते थे और वो नेता बने। अभी भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं कि वो इसीलिए सोचते हैं कि हम इनको जितना ज़्यादा बुरा भला कहेंगे और कोई और कह नहीं रहा है तो हमारी दुकान चलेगी और हमारे नंबर। और मैंने ये देखा कि मतलब सिंधिया परिवार के ऊपर कुछ भी लिखा जाता है तो लोग पढ़ते हैं उसको, ग्वालियर की जनता उनको इतना प्रेम करती है कि उनके बारे में कुछ भी लिखा होता है तो पढ़ती है, हालांकि लेकिन बर्दाश्त नहीं करती है, लेकिन बर्दाश्त नहीं और उन ऐसे लोगों को वो कभी क्षम्य भी नहीं करती है, ऐसे लोगों को वो कभी वेटेज भी नहीं देती है, लेकिन चूंकि वो चर्चा में बड़े लोग हैं अगर आप उनके बारे में कुछ बात कहोगे तो लोग उसको ज्यादा उस पर लाइक करेंगे, ज्यादा कमेंट्स करेंगे, तो वो उससे उनके जो नंबर है वो बढ़ते हैं। एक किताब भी लिखी ग्वालियर गद्दार के नाम से। ये सब काम हमेशा चलता है, राजा रावण के टाइम और राजा रामचंद्र जी के समय से सबसे इस तरह के लोग रहे हैं जी समाज में, और निंदक निये रहे राखिए आंगन कुटी छवाए, ये तो उस जमाने में लिख गए जी। तो अगर इस तरह के लोग हैं जो निंदा करते हैं या आलोचना करते हैं या इस तरह की बातें करते हैं तो उनकी बात सुनना चाहिए। अगर कोई ऐसा लिखता है कि सिंधिया परिवार ने ग्वालियर के लिए बहुत कुछ किया है तो केशव पांडे जी इसको कितना सपोर्ट करेंगे? मैं तो जितने नंबर है मेरे पास 100 में से 100 दूंगा मैं, क्योंकि अगर आप विकास की अगर बात कर रहे हैं तो जो यहाँ बरसों मंत्री रहे हैं दुनिया भर में केंद्र से लेकर राज्य में और बड़े बड़े पावर में रहे, और कुछ और लोगों का मैं नाम नहीं लूंगा, वो और भी बड़े बहुत बड़े नेता थे, वो देश के सर्वोच्च पद पर भी रहे, तो ग्वालियर को कोई उन्होंने ऐसी सौगात नहीं दी अपने टाइम में जिसे ग्वालियर के लोग याद करते जी। तो ये केवल सिंधिया ही परिवार है जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं, जब उनके नाम पर ग्वालियर में बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं तब मुझे भी ये प्रश्न चिन्ह मेरे दिमाग में भी उठता है कि मतलब ग्वालियर ने किया तो आपने कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी सारी चीजें ग्वालियर में उनके नाम पर हो रही हैं। अब ये जो बनाने वाले हैं, जो करने वाले हैं, जो सरकार में बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, ये उनकी बात है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इससे सिंधिया परिवार के घराने को आप कमतर नहीं कर सकते, इससे उनके महत्व को कम नहीं किया जा सकता, भले ही आप किसी के नाम से कुछ भी बना दें कुछ भी कर दें, लेकिन उनका जो स्थान है लोगों को मालूम है कि ट्रिपल ITM यहाँ ग्वालियर में कौन लेके आया था जी, किसने बनाया था और नाम, तो मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था जी कि नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, क्या रखा है, तो हमने उसमें किया था कि भाई जब आदमी कोई पद पर रहता है तो पद पर रह के उसके नाम पर चीजें इसलिए नहीं करते हैं कि वो। एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, सिंधिया परिवार के लिए बहुत सारी बातें उठाते भी हैं, एक माधव सिंधिया जी का देहांत हुआ था जब वो स्वर्गवास हुआ था उनका, उस समय पर एक मांग उठी थी बड़े जोर शोर से कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो माधव सिंधिया जी के नाम पर होना चाहिए, और वो मांग दब गई। अब चूंकि वो नया रेलवे स्टेशन बन रहा है फिर से उसका प्रारंभ हो रहा है, तो क्या केशव पांडे जी इस बात को उठाएंगे कि इस बार जैसे कि रानी कमलावती स्टेशन भोपाल का हुआ ऐसी महाराजा माधवराव सिंधिया रेलवे स्टेशन ग्वालियर का हो? बिल्कुल, हम इसको पुरजोर उठाएंगे, उठा भी रहे, इसके ऊपर लिखा पढ़ी भी हो गई है और सुधीर गुप्ता जी ने इसमें काफी इंटरेस्ट लिया है और रेलवे बोर्ड ने और होम डिपार्टमेंट ने इसको मंजूरी भी दे दी है। अब जो बाकी की जो कैबिनेट से मंजूरी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और मध्य प्रदेश शासन से वो होना बाकी है, और मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं और होना चाहिए, और अगर हम ये कर रहे हैं तो कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, ऐसा ये एक हमारा जो कृतज्ञता का भाव है वो हम प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो रेलवे में कायाकल्प किया, शताब्दी चलाई, आज ही तो ये इसीलिए तो ये नई गाड़ियां आ रही है जो क्योंकि देश के कुछ ही रेल मंत्री रहे जिनका जिक्र किया जाता है और माधव सिंधिया जी का सर्वोपरि नाम होता है, सर्वोपरि नाम होता है, तो मैं ये मानता हूँ कि ये स्टेशन उनके नाम पे होना चाहिए, होना चाहिए, आप इस आवाज को उठाएं, बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा, मैं अपने दर्शकों के साथ से और आपको रूबरू कराते हुए एक प्रश्न और आपके सामने रखूंगा,
संज्ञान में लाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप जिस जगह बैठे हुए आपके पास बहुत पावर है, आप इस चीज को भी आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री हैं, पूरा देश को देखते हैं और कई राज्यों को भी उनके दौरे करने पड़ते हैं, इतना ज्यादा समय ग्वालियर को नहीं दे पाते, लेकिन सिंधिया जी की जगह पर आप पूरा ग्वालियर संभाल रहे हैं उनके उनके महल में बैठ करके उनके प्रतिनिधि के रूप में। तो सिंधिया जी ने ये ऑब्जेक्शन उठाया था कि जो छोटी नैरो गेज लाइन थी जो सबलगढ़ जोरा वाली, वो लाइन मतलब अभी बंद कर दी गई है, और उन्होंने कहा था कि रेलवे को भी लेटर लिखा था कि इसको मोती झील तक इसको पर्यटन के क्षेत्र में इसको जारी रखा जाए, वो बंद हो गई। और मैं देख रहा हूँ उसमें कब्जा भी हो रहा है सर, आपका घर जमाना है उसके पीछे से भी अगर देखें तो पटरियों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया है लोगों ने। क्या केशव पांडे जी मतलब इस आवाज को भी उठाएंगे कि मोती झील तक रेल लाइन चलनी चाहिए? ये हमने उठाई है, लिखित में भी हमने दी है, और मेरा मान्यता है कि महाराज साहब इस पर ध्यान देंगे, उनका ध्यान है, और जो कब्जे किए गए हैं वो कब्जे सब हट जाएंगे, और वो अपनी जो सिंधिया स्टेट रेलवे की जो रेलवे चलती थी और ये पूरे इस इलाके में वो 100 साल पहले रेलवे को लाए जब रेलवे की कल्पना करना मुश्किल थी, उस जमाने में तिगरा में हवाई जहाज उतरते थे, जिस जमाने में ये कल्पना ही करना कोई सोच नहीं सकता था, तो वो चाहते हैं कि ये एक हेरिटेज ट्रेन के रूप में बनी रहे और लोग इसे देखते रहे, लोग इसे याद करते रहे, तो हम लोग इसके पीछे लगे हुए हैं और मेरा मानना है कि वो ये सब काम होगा। पांडे जी आप क्या क्या आपने एजेंडा बना रखा है कि मुझे इस वर्ष में ये चीजें करनी है? देखिए मेरा अपना कोई एजेंडा नहीं है, मेरा एजेंडा महाराज का एजेंडा है, महाराज जो चाहते हैं उन सब कामों को एक्सेलरेट किया जाए, उसको जनता में पहुंचाया जाए, जनता को उसको याद दिलाया जाए, जनता में अवेयरनेस लाई जाए, और जैसे अवेयरनेस इंदौर में आई है, चाहे वो सफाई को लेके हो, चाहे वो अन्य कामों को लेके हो, चाहे जैसे मुरार नदी का हम लोग आजकल आपने देखा है जीर्णोद्धार कर रहे हैं, ज्योतिराज सिंधिया जी वहाँ आपको आशीर्वाद देने गए थे, वहाँ तुलसी सिलावट भी गए, प्रदुम सिंह जी भी गए, हाँ, तो वो जो 13-13.5 किलोमीटर नदी है जो आती है और उसका नाला बन गया था वो नदी, आज आप देख के चले वहाँ, आप एक स्टोरी उस पर करिए, मेरा आपसे अनुरोध है, तो आप देखेंगे कि शुद्ध पानी चल रहा है, 1.5 किलोमीटर में हम लोगों ने करीब 1000 पौधे भी लगा दिए, साफ सफाई करा दी है और शुद्ध पानी जा रहा है, बिल्कुल साफ, लोग तैरने लगे, उसमें बतख आने लगी है, मतलब 2.5 महीने की मेहनत में ही इतना काम हम लोगों ने कर लिया है, और अगर वो नदी पूरी साफ हो जाएगी जैसा कि सिंधिया जी ने उसमें 1,80,00,000 रुपये नमामि गंगे से मंजूर कराया है, वो मशीनरी भी काम कर रही है, कलेक्टर भी वहाँ गए थे, नगर निगम कमिश्नर भी वहाँ गए थे, और तमाम सारे लोग रोज श्रमदान करने वहाँ आते हैं, और मैं भी रोज 8 से 10 बजे तक वहाँ जाता हूँ, NDTV पर भी उसको अभी दिखाया गया है जी। तो मैं चाहूंगा कि आप चूंकि अपना यहाँ का ग्वालियर का चैनल है जी। और आप सामाजिक सरोकार की बात कर रहे हैं बहुत दूर से, तो ग्वालियर में पानी की दिक्कत ना आए, तो जो ऐसे जल स्रोत हैं जैसे मुरार की नदी है, इनको आप अगर संरक्षित कर देंगे तो वहाँ जो पानी का लेवल नीचे जा रहा है, 700 फुट चला गया है, तो 1000 फुट पर ना जाए, बेंगलोर और चेन्नई जैसी स्थिति ग्वालियर में ना पैदा हो जाए, ज़्यादा पेड़ पौधे लगे तो ऑक्सीजन का एक वो पार्क बन जाए, वहाँ लोग घूमने जाएँ, वहाँ चौपाटी जैसी स्थिति बन जाए, वहाँ से लोग रोज वॉकिंग ट्रैक पर वहाँ घूमने जाएँ, तो आप अगर देखने जाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, आज आप देखने जाइए पानी गिर रहा है, कितनी शानदार पानी वहाँ बह रहा है जी। तो हम सबको ये चेतना जगाना चाहते हैं कि इस तरह की जैसे स्वर्ण रेखा है जिसे पक्का कर दिया गया है, अगर इसे पक्का नहीं किया गया होता तो पानी नीचे परकुलेट होता और वो पानी हमारा जो लेवल नीचे जा रहा है उसको रोकता, लेकिन पता नहीं क्या किया कि वो पूरी पक्की कर दी गई, साइड में दीवारें बनाना तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसके उसको पक्का कर देंगे नीचे तो जो पानी है वो फिजूल चला जाएगा, बह जाएगा, नीचे बर्कुलेट नहीं होगा, नीचे नहीं होगा तो लेवल नहीं बढ़ेगा, तो आसपास के जो नलकूप है वो सब लटक जाएंगे, लोगों को पानी नहीं मिलेगा, जब लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो आपके करोड़ों रुपये के जैसे सीमेंट कंक्रीट के जंगल जो बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं उनका क्या होगा जी। आज उस इलाके के लोग बहुत खुश है, वो देख रहे हैं। अभी कल मैं एक अखबार पढ़ रहा था, उस अखबार में रिपोर्ट आई कि आगरा के ताजमहल के पास में सिंधिया परिवार की एक कोठी है जो कि 1,000 करोड़ की है, है ना, और वो पीडब्ल्यूडी विभाग की मतलब लापरवाही से वो अभी ना तोड़ गई है। हाँ, उस पर क्या आप कोई मतलब उस पर वो महाराज के नोटिस में ला दी गई है और महाराज अपने लेवल पर उसको जांच करवा रहे हैं, पता करवा रहे हैं, और वो उस पर जो लीगल कार्रवाई होगी सरकार को वो जगह वापस मिलेगी और उस पर से धूल जड़ाने का काम चालू हो गया है।
तो महाराज से आपकी जो बातचीत होती रहती होगी कई बार कई मुद्दों को लेकर के या कुछ समस्याओं को लेकर जो लोग आपके पास लाते होंगे महाराज के सामने आप रखते होंगे, तो जितने संवेदनशीलता के साथ में महाराज के लिए आप काम करते हैं पूरा ग्वालियर उस सिद्धत को और उस प्रेम को महसूस करता है। मैंने तो कई बार आपके जब आर्टिकल पढ़ता हूँ तो मुझे तो प्रेम नजर आता है और मैं समझता हूँ महाराज को भी नजर आता है, इसलिए उन्होंने आपको वहां बिठाया है। कभी महाराज ने आपसे कुछ ऐसी बात कही है जो आप कभी नहीं भूल सकते वो बताना चाहेंगे? महाराज से एक बार मैंने पूछा जब वो चुनाव में हार गए या गुना सुपरी में जी, तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज आपके हारने के बाद भी ये लोग अपने काम में लेके यहाँ आते हैं तो इनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें गुना सुपरी के लोग। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो आ रहे हैं उनको आने दीजिए और उनके सब काम जैसे पहले करते थे वैसे ही करिए, किसी को अपने को यहाँ से लौटने नहीं देना है, सबके साथ प्रेम व्यवहार वैसे ही रखना है, आप जो कुछ हो गया उसको आप छोड़िए उसको भूल जाइए। हाँ, हमारा वो परिवार है और हम उस परिवार को चुनाव के हारने जीतने से जोड़ना नहीं चाहते, तो ये उनके बड़े दिल को प्रदर्शित करता है कि उनका दिल कितना बड़ा है। अब लोग जब चुनाव हार जाते हैं तो अपने क्षेत्र की जनता से मुंह मोड़ लेते हैं जी और उनके लिए काम करना बंद कर देते हैं। ये तो आपने जनता के लिए बात की, मैं आपके लिए बात करूँ, आपके लिए कोई उन्होंने बात ऐसी बोली हो जो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट हो? हमारे लिए तो उन्होंने इतनी बोली है कि मैं सोचता हूँ वो कॉम्प्लीमेंट जब केशव प्रसंग का उन्होंने जून 2017 में WIEE में उसका विमोचन किया था जिसमें उन्होंने भी मेरे ऊपर एक आलेख लिखा है और देश के बड़े बड़े तमाम लोगों ने लिखे हैं, तो जब उसके विमोचन के टाइम पे उन्होंने करीब करीब आधा घंटा मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व के ऊपर और मेरा जो दुनिया भर में काम है मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ का उस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए बोले। आज तक उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे? उस वक्त मैं बहुत भावुक था और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे पद्म विभूषण पद्मश्री की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मुझे मिल गया है, क्योंकि सिंधिया जी जैसा इतना बड़ा व्यक्तित्व अगर किसी एक व्यक्ति पर उसके काम पर आधा घंटा लगातार बोले, क्योंकि मैंने उनको 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा बड़े से बड़े किसी व्यक्ति के बारे में कभी बोलते हुए देखा नहीं सुना नहीं और कहीं रिकॉर्ड पे भी नहीं होगा जी जितना वो मेरे लिए बोले, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा इनाम है, मेरा पारितोषिक है, मेरा सम्मान है, मेरा उस घर परिवार की तरह वो मानते हैं कहते हैं आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो ये इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इसको बड़े बड़े पुरस्कारों से जोड़ के या बड़े बड़े और अन्य चीज़ों से जोड़ के नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि जिनके साथ अपन काम कर रहे हैं वो अपन आपको समझें, आपको अप्रिशिएट करें, आपको गले लगाएं, आपका मान सम्मान सार्वजनिक रूप से करें अगर, तो इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। बाकी तो ये है कि जीवन है, आप काम करते चलिए और पब्लिक अगर आप जैसा कह रहे हैं कि उनके छत्र छाया में सब इतने काम हो रहे हैं कि लाखों लोगों के इलाज होना है, किसी का कुछ होना है, किसी का कुछ होना है, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो ग्वालियर लेवल पर निपटानी है वो हम निपटाते हैं, जो दिल्ली में प्रतिदिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भर्ती कराना है, कहीं और कराना है, वहाँ उनका इलाज होना है, महाराज साहब उनको भर्ती कराते हैं, उन्होंने वहाँ टीम बना रखी है जो लोग ले जाके दिखवाते हैं, भर्ती कराते हैं और जब वो ठीक हो जाते हैं तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो उन लोगों से बात भी करते हैं कि भाई कैसे हो और ठीक हो, कोई और दिक्कत तो नहीं है। इतनी कोई आपको आशीर्वाद देकर के गया है कभी भावुक होकर के? किसी ने काम आपने कोई काम किया और उसने मतलब आपको बड़ा भावुक होकर के आपको आशीर्वाद दिया? आज उनके आशीर्वाद की वजह से ही हम इस लेवल पे पहुंचे हैं, क्योंकि वो जो आशीर्वाद है लोगों का उसी की वजह से, ये सद्भावनाओं की वजह से हमारी यात्रा इतनी सुखद और सुंदर हुई है। मैं 72 वर्ष के पड़ाव पर हूँ लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं अभी भी 16 घंटे काम करता हूँ और अभी भी अभी हम जैसे ही लगते हैं, तो ये सब सद्भावना की वजह से तो है ही जी, नहीं तो कैसे कर पाते अगर इतनी सद्भावना नहीं होती। पंडित सर एक चीज पूछना, और इसमें पूरा पूरा योगदान माननीय सिंधिया जी का है, सिंधिया जी के परिवार का है, कि उन्होंने मुझे इस योग को समझा और ऐसी चेयर पर बिठा के ये सब काम करने का मौका दिया, तो मैं उनका भी आभार और धन्यवाद मानता हूँ। आप आभार और धन्यवाद मैं कहूँगा कि आप है ना थोड़ा सा और बचा के रखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी है ना नगर निगम और बहुत सारे राज्य मंत्री के जो अभी दर्जा प्राप्त जो होते हैं वो अभी निकलने वाले हैं और कई लोगों को मिलने वाले हैं, कई लोग कतार में हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। नहीं, ये संभव ही नहीं है। आपकी डायरी में आप लिख लीजिए कभी के राजनीतिक रूप से किसी पद पे मुझे पूरी ये जो लाइफ हो गई है 50 साल से ज्यादा
सार्वजनिक जीवन में कभी कोई नामांकन मेरा नॉमिनेशन कभी हुई नहीं है। नहीं, अगर भाई ने कहा कि नहीं ये मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ, अब आप है ना मेरी महल की जगह छोड़ करके आप जनता की ये इस गद्दी पर इस कुर्सी पर बैठ करके काम करिए, तो क्या केशव पांडे की इस बात को भी मानेंगे? महाराज की हर बात आपने मानी? मुझे पहले महाराज की सेवा करनी है, उनके साथ रहना है, वो मेरे लिए प्राथमिकता है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी फिर जो भी कुछ वो कराना चाहेंगे मैं कभी उसमें मना करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि भाई वो अगर इस योग समझेंगे तो वो हमसे वो काम कराएंगे, और अगर कराएंगे तो मैं सह स्वभाव से करूँगा। पांडे सर, अभी आपने गुना वाली हार की जिक्र किया, मैंने एक फोटो देखी थी उस समय, सिंधिया जी का जो चेहरा था वो कुछ सोच रहा था और महारानी खड़ी हुई थी साथ में और वो उनको जिस तरीके से देख रही थी, वो तस्वीर मेरे दिल को काफी अभी भी मतलब मुझे याद रहती है, मेरे को कभी बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे हृदय को मतलब दुखित भी कर देती है कि जिनको वजह से हम पूरे शहर में पूरे देश में पहचाने जाते हैं, है ना, आज ग्वालियर का नाम अगर कोई जानता है तो सिंधिया परिवार के नाम से भी जानता है, ऐसी तस्वीर की क्या कभी आपने कल्पना की थी? क्योंकि कुछ लोग ग्वालियर के ये मानते हैं कि ये सिर्फ साजिश थी, सिंधिया जी चुनाव नहीं आ रहे थे। देखिए ऐसा होता है राजनीति में, जो विरोधी होते हैं उनका कोई लेवल नहीं होता, वो किसी भी नीचे स्तर पर जाकर काम कर सकते हैं, वार कर सकते हैं। ऐसा कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी के साथ भी हवाला कांड में उनका नाम रखा गया, तो ये सब होता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की होती है और ईश्वर न्याय करता है, ईश्वर ने न्याय किया, आज वो पूरे इतना बड़े फलक पर काम कर रहे हैं देश के, और प्रधानमंत्री मोदी जी के बिल्कुल वो आपके तारे के रूप में काम कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी संभावनाएं अभी उनके सामने हैं, और मैं मानता हूं कि ये जो कुचक्र होते हैं ये कुचक्र कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन आप काम करते रहिए और आपको उस काम का सिला निश्चित रूप से मिलेगा, और उनको मिल रहा है, और उनकी वजह से हम सब लोग भी आलोकित हो रहे हैं तारों की तरह। एक चीज ग्वालियर की जनता हमेशा सोचती है, हर चुनाव में सोचती है, वो पूरी नहीं हो पा रही, माधव सिंधिया जी चला रहे हैं कि सिंधिया परिवार का कोई सदस्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, और माधव सिंधिया जी के बारे में तो यहाँ तक अभी आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री तक की हम लालसा करने लगे, तो क्या लगता है कि ये लालसा भी पूरी होगी? देखिए ये सब संभावनाओं की बात है, अगर आपके प्रारब्ध में ईश्वर की इच्छा अगर ऐसी होगी कि होना है तो वो हो जाएगा, अन्यथा हाइपोथेटिकल बातें जो होती हैं काल्पनिक बातें, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो गया, ऐसा है, इसमें मेरा कोई विश्वास नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि डबल इंजन की सरकार है, तो मध्य प्रदेश की सरकार भी सिंधिया जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में वो है ही, और जो कुछ वो चाहते हैं कराना अपने क्षेत्र में, जो कुछ वो चाहते हैं सब बातें उनकी मानी जाती है, उनको प्राथमिकता दी जाती है, महत्व दिया जाता है, तो ऐसा कहा है कि वो चीफ मिनिस्टर बन के ही काम कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो चीफ मिनिस्टर जैसे काम तो पूरे इसमें कर ही रहे हैं, उनका उनका ओहदा अपना अलग ओहदा है, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो ऑरा है वो बहुत ज़बरदस्त है, ईश्वर की ईश्वर प्रदत्त है, वो जिसको एक बार वो उसका नाम लेकर बुला देते हैं वो एक महीने तक साल भर तक भूलता नहीं है, किसी की पीठ पे हाथ रख देते हैं तो उसको ऐसा जैसे साधु संत रख देते हैं तो करंट चला जाता है पूरी बॉडी में, ऐसा हो जाता है। और मैं थोड़ा और बढ़ के आगे बात करूँगा कि वो राजनीतिक संत है। अच्छा। मेरे हिसाब से जैसा मैं सोचता हूँ कि राजनीति में ऐसे संत होना कि इतने बड़े बड़े पदों पर बैठ के उसमें जो लोग लिप्त होके और अदरवाइज एक्टिविटीज में शामिल होके जो अपना वैभव बढ़ाने की कोशिश करते हैं और बढ़ाते हैं वो उस सब से एकदम दूर है, और ये सब दूर होना बड़ा मुश्किल है। मैं देख रहा हूँ कि करोड़ों रुपया वो उनके ऐसे गरीबों को बटता है, उनको चेक जाते हैं, उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। आपने कभी भी पत्रकार के रूप में आप मुझे बता दें अगर याद हो पता लग जाए कि किसी को भी उन्होंने वो चेक अपने हाथ से दिया हो बुला के सहयोग के रूप में, वो किसी को शकल से नहीं जानते जिसको पैसा देते, और कभी उसको बुला के कहते नहीं है कि हमने आपको इतनी सहयोग मदद की, आपका इलाज कराया नहीं कराया। तो जो अपनी माइथोलॉजी है, जो अपना धर्म है, जो अपना दर्शन है, उसमें ये बात है कि एक हाथ अगर दान करें तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, इसका पालन अगर हो रहा है तो सिंधिया परिवार में 250 साल से हो रहा है। और ये मुझे बात याद है
एक बहुत अच्छी बात आपने याद दिला दी। एक बार मैं और वो दो ही लोग थे, गाड़ी में आ रहे थे, तो मैंने कहा कि महाराज बहुत पैसा अपने यहाँ से बढ़ता है, गरीबों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, तो अपन हर तीन तीन महीने में या एक एक महीने में ऐसी लिस्ट जारी कर सकते हैं कि वहाँ से इतना पैसा इन लोगों को दिया है, इन लोगों को दिया। तो वो कहने लगे, अरे क्या पांडे जी आप बात कर रहे हैं, आप इतने सीनियर हैं, इतने समझदार हैं, आप बताइए हमारे परिवार में ऐसी कोई परंपरा है क्या कि हम अपने हाथ से किसी को पैसा देते हो, ये तो होने ही नहीं चाहिए, आप मदद करिए। और उसका नाम भी आपको नहीं मालूम होना चाहिए कि आपने किसकी मदद की है। तो उनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट फ़ोन करके बुलाता है, वहाँ बुला के संबंधित का एक राशन कार्ड या कोई आधार कार्ड देख के कि ये सेम आदमी है, उसको बुला के चेक दे देता है। सिंधिया जी को दूर दूर तक ये बातें और उनके परिवार के लोगों को पता नहीं होती, और हम जैसे लोगों को भी पता नहीं होती जी। हम लोगों का काम है कि आवेदन आया, आवेदन हमने वहाँ भेज दिया, उस पर वो खुद डिसाइड करते हैं किसको क्या देना है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं रहता कि ये कौन लोग हैं। आपका कहना है कि श्रेय लेने की जो राजनीति होती है वो सिंधिया परिवार नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है और ना वो कभी करेगा, और ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाकी वो अपने काम के प्रति, कर्तव्य के प्रति बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है, और मान सम्मान का वो सबका बड़ा ख्याल रखते हैं, और लंबी दौड़ के घोड़े हैं, लंबी दौड़ के घोड़े। क्योंकि उम्र महाराज साहब को कैसे देखते हैं, क्योंकि मैंने भी देखा कि महल में महाराज साहब ने हम लोगों को बुलाया था कुछ लोगों को, और आप भी थे वहां पर, और उन्होंने एक मुद्दा उठाया और सुबह 4 बजे का दूसरे दिन का समय दिया उस मुद्दे पर, और वो स्वयं 4 बजे वहां पहुंच भी गए। और मैं आपको बता दूं कि कैंसर पहाड़ी का मुद्दा था, और उनका कहना था कि कैंसर पहाड़ी ये नाम मुझे अच्छा नहीं लगता है, नाम कुछ और होना चाहिए। तो जब हम लोग वहां सुबह पहुंचे तो वहां पर कई लोगों से विचार विमर्श हुआ, और फिर बाद में ये हुआ कि कैंसर पहाड़ी की जगह इसको संजीव पर्वत बोला जाए, क्योंकि काफी एनर्जी मिलती है यहाँ पर, हरा भरा है, तो कैंसर नाम क्यों दे रहे हैं उसको, बीमारी वाला नाम क्यों दे रहे हैं? क्या लगता है महाराज जी, इतनी सेंसिटिव मुद्दों को कैसे उठा लेती है? वो भी तो भाई बड़े परिवार से है ना, राज परिवार से, बड़ौदा परिवार, अपने देश का बहुत प्रतिष्ठित परिवार है, और पढ़ी लिखी है, समझदार है, बहुत गंभीर है, और बहुत सारे काम जो महाराज व्यस्तता के कारण नहीं देख सकते वो सब वो संभाल रही है, युवराज संभाल रहे हैं। तो इतनी संवेदनशीलता उनकी भी अपने क्षेत्र के प्रति है, और जब कभी मौका लगता है तो वो उसको कहती है और करवाने का प्रयास करती है, ये अच्छी बात है। महाराज के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है, अगर हम सब लोग मिलकर उस लोड को डिवाइड करके काम नहीं करेंगे तो वो देश के लिए जो बड़ा काम करना चाहते हैं वो करना मुश्किल हो जाएगा। देश के लिए बड़ा काम, एक ग्वालियर के लिए बड़ा काम होने जा रहा है, एक आधा हो चुका है। ग्वालियर में बहुप्रतीक्षित पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम तैयार हो गया है, जो कि श्रीमंत माधव सिंह जी के नाम पर है। उस पर बांग्लादेश के साथ में आने वाले कुछ महीनों में मैच भी होने वाला है, कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं, तो ये विरोध लगता है जायज है कि नहीं? सरासर नाजायज है, खेल में राजनीति को कभी नहीं लाना चाहिए। जब राजनीति को आप खेलों में घसीटेंगे, खेलों को राजनीति में जब घसीटेंगे ना, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य उसी दिन होगा, क्योंकि खेलों को अगर राजनीति से आप दूर रखेंगे, अब ग्वालियर का इसमें नाम होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इतने पहला मैच, पहला मैच इतने साल बाद हो रहा है, आपको खुश होना चाहिए, आपको पहले मांग रहे थे, पहले आप मांग रहे थे, और अगर एक मैच सफल होता है तो फिर दूसरा होगा, अन्य मैच भी होंगे, इंटरनेशनल जाए स्टेडियम बन गया, दिव्यांगों का सबसे पहला, अभी एनटीए बहुत सफल था, बहुत बहुत अच्छा रहा। आप आइए, इब्राहिम ने कितनी मेहनत की, आप तो हमेशा करीब रहते हैं, बहुत बहुत मेहनत की उन्होंने, और युवराज को बड़े महाराज कहते थे कि इनको ज्योतिरादित्य जी को कहते थे, वो इनका डबल MBA है ना जी, तो जब मेरी बात होती थी उनसे तो मैं कहता था कि महाराज अब युवराज ज्योतिरादित्य जी पढ़ लिख गए हैं, सक्रिय हो गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा काम आप उनको दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर देश का बहुत बड़ा काम है, और उनको जैसे आपका माधव कॉल इंस्टीट्यूट है और सिंधिया स्कूल है, बड़े बड़े संस्थान है, इसमें आप उनको भेजिए, इसलिए वो देखना शुरू करें काम। तो उन्होंने कहा हाँ आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, युवराज जो है वो हमारी डबल बैरल की बंदूक की तरह है। अच्छा। वो उनको डबल बैरल बंदूक कहते थे जी, और डबल बैरल का मतलब ये है कि उन्होंने डबल MBA किया है जी, तो डबल MBA स्टैनफोर्ड से और ऑक्सफोर्ड से करा उन्होंने, तो जो इतने हायर क्वालिफाइड है, तो उनके जो युवराज जो आर्मन है अभी प्रेजेंट में, उनमें भी एनर्जी बहुत है, उनका विजन बहुत है, तो मिलनसार बहुत है, विनम्र बहुत है, विनम्रता तो उनमें कूट कूट के भरी है। युवराज का जो व्यक्तित्व है,
वो किसको टच करता है, बड़े महाराज को या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को? वो व्यक्तित्व तो देखिए मिला जुला होता है, ये नहीं कह सकते कि वो उनको करता है कि इनको करता है, लेकिन उनमें जो एक बड़े परिवार में लोगों में एक जो ठसक आ जाती है कि वो नहीं है, और अगर ये नहीं है तो ये बहुत बड़ी बात है, ईश्वर की उनके ऊपर बड़ी कृपा है। नहीं तो कहते हैं कि खुदा जब उसको देता है नजाकत आई जाती है, तो जो बड़ा आदमी होता है या जो किसी भी तरह से बड़ा होता है तो फिर वो उसकी चाल बदल जाती है, उसका वर्किंग स्टाइल बदल जाता है, घमंड नहीं है उनमें। हाँ तो भगवान करे वो ऐसे बिल्कुल मैंने देखा है और काफी लोगों से वो मिलते हैं बिल्कुल फ्रीली। बस सर मैं अब इंटरव्यू को अंतिम चरणों की तरफ पहुंच चुका हूं, मैं आपसे बस तीन सवाल करूंगा कि क्या बोलना चाहेंगे ग्वालियर की जनता को, जो कि एक अपील भी हो आने वाले समय के लिए। ग्वालियर की जनता से मेरी अपील है कि सिंधिया परिवार के शुभकामनाएं दें, उनको आशीर्वाद दें और उनका प्रेम हासिल करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो इसी शिद्दत के साथ अपने इस ग्वालियर चंबल संभाग की, मध्य प्रदेश की और देश की सेवा करते रहें, और हमेशा अगर वो सेवा करते रहेंगे तो निश्चित मानिए कि ग्वालियर का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। ग्वालियर आने वाले दिनों में आपको नंबर एक की लाइन में देखने वाला है, थोड़ा आप सब्र करिए। माधव कॉलेज के सामने जो इंस्टीट्यूट के सामने नया जो एक अस्पताल बड़े महाराज बनाना चाहते थे उसको भी वो टेकअप कर रहे हैं, साढ़ा को उन्होंने टेकअप किया है, एलिवेटेड रोड तो है ही, वो बनी रही है, तो ये सब काम जब हो जाएंगे, साल दो साल नहीं लगेगा इसमें भी, तो आप निश्चित मानिए कि ग्वालियर आपको बदला हुआ दिखेगा और ग्वालियर की जो छवि थी कि ये डाकुओं के नाम पर बदनाम था, ये कलंक था भंड मुरैना ग्वालियर के नाम पर, यहाँ डकैतग्रस्त है, लेकिन अब उन्होंने वो पूरा समाप्त किया है, अब इस तरह की कोई डकैती की कोई समस्या नहीं है, अब चंबल फल फूल रहा है, लोगों के बिजनेस बढ़ रहे हैं, अटल प्रोग्रेस मार्ग बनने वाला है, 6 लेन रोड उन्होंने मंजूर कराई दिया है, ग्वालियर से आगरा आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो इस तरह के बहुत सारे काम जब ये इम्प्लीमेंट होकर धरातल पे आ जाएंगे और साल दो साल से ज़्यादा इनमें टाइम नहीं लगेगा, तब हम सबको महसूस होगा कि नेता क्या होता है, उसकी काम करने का ढंग क्या होता है और कैसे काम कराए जाते हैं। अगर सीखना है तो आदर्श सांसद के रूप में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख सकते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं, और इस तरह की मैं तो ये कहता हूँ कि कुल 10 ही सांसद हो जाए देश में तो पूरे देश का कायापलट 5 साल में हो सकता है, ये मेरी अपनी मान्यता है जी। सर अब मैं चाहूँगा कि आपके जो बच्चे हैं, और कई बार होता है कि मैंने देखा है कि पिता अपने बच्चों से कुछ चीज़ें कई बार कह नहीं पाता, मन में होती है पर कह नहीं पाता है, ठीक है, और आज चूँकि आपकी धर्मपत्नी जी अब नहीं है तो कई बार बड़े बच्चे रहते हैं तो फिर उनसे कुछ चीज़ें हम मतलब नहीं कह पाते हैं, कोई ऐसी चीज जो आप अपने बच्चों को मैसेज देना चाहें? मेरे बच्चे जो है दोनों, एक तो साइबर सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है, उसका अपना खुद का पूना में स्टार्टअप है, वो सिंधिया स्कूल के ही प्रोडक्ट है, दोनों बच्चे यहीं पढ़े हैं तो संस्कार उनके सिंधिया स्कूल में जैसे बच्चों के होते हैं वैसे ही है। दूसरा डॉक्टर है जो अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में है, 2 ही बच्चे हैं, और इन दोनों बच्चों ने मिलके ये जो सेंटर बनाया है ये केशव पांडे ने नहीं बनाया है, तो ये संकल्प पांडे और संस्कार पांडे की देन है, पैसा भी उन्हीं ने लगाया है, डिजाइन भी उन्हीं का है और अपनी माँ को उन्होंने ही समर्पित किया है, और सिंधिया जी जब उद्घाटन करने आए थे तो उन दोनों बच्चों की उन्होंने बहुत पीठ ठोकी, क्योंकि वो जितना सुंदर और अच्छा बना है और जो व्यवस्थाएँ वहाँ हैं उनको लगा कि ग्वालियर में भाई काम स्मार्ट सिटी को जैसे बढ़ाने का चल रहा है, कम से कम केशव पांडे के यहाँ इन बच्चों ने अपनी माँ को श्रद्धांजलि इससे अच्छी कुछ नहीं हो सकती है देने के लिए बनाया, तो उन्होंने उनको बहुत अप्रिशिएट किया, और वो बच्चे जो ग्वालियर के हैं और ग्वालियर के लिए काम कर रहे हैं तो एक दिन आएगा कि वो ग्वालियर उनको बुलाएगा और उनको अप्रिशिएट करेगा कि हमारे बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सर चूँकि आप कभी भी हैं और मैं चाहूँगा कि 2 लाइन कोई भी ऐसी जो आपके दिल को बड़ी प्यारी हो, आप हमेशा अकेले में गुनगुनाते हो, या जब आपको लगता है कि मतलब एनर्जी चाहिए तब आप उस कविता को गुनगुना लेते हो हमारे दर्शकों को? तो शेर सुना देता हूँ, कुछ नहीं, गर खुदा मुझे अख्तियार दे दे तो मैं इनकलावे जदीद कर दूँ, लुटा के कानून का खजाना मैं सबकी ईद कर दूँ। ये मेरा वाक्य है जीवन का कि भगवान मुझे इस लायक बनाया, इतना बड़ा बनाया, इतना सब कुछ मुझे दे के जो कानून का खजाना है उन गरीबों के लिए पूरा लुटा दिया जाए। क्या बात है। डॉक्टर केशव पांडे जी,
आप हमने बहुत सारी बातें आपसे की और उन सारी बातों में अगर मैं निकालूं तो 70% बातें सिंधिया परिवार के ऊपर हुई, क्योंकि मैं आपको शुरुआत में बोल चुका था कि सिंधिया परिवार के वैसे तो बहुत सारे सिपाही हैं, लेकिन उन सिपाहियों में मतलब कहते हैं कि सेनापति भी कोई होता है, तो सेनापति केशव पांडे जी हैं, क्योंकि ये सिर्फ फील्ड में ही काम नहीं करते, ये महल में बैठ के ही काम नहीं करते, ये अपनी कहते ना जहां बंदूक काम नहीं करती वहां कलम काम करती है, ये अपनी कलम से भी लगातार सिंधिया परिवार के लिए लिखते रहते हैं, और सिंधिया परिवार के लिए बड़ा छोटा मोटा नहीं लिखते, इतना ज्यादा लिखते हैं, इतना ज्यादा लिखते हैं कि यदि आपने एक बार इनका आर्टिकल पढ़ लिया तो बार बार आप मन करेंगे कि केशव पांडे जी अगला आर्टिकल कब लिखेंगे। इतने अच्छे मृदुभाषी हैं कि ग्वालियर में जब भी कोई एनजीओ कार्यक्रम करती है तो एक नाम जरूर लिख लेती है केशव पांडे जी, किसी को भी बुलाए लेकिन उस कार्यक्रम में किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन पत्रकारिता जगत से कोई व्यक्ति होता तो डॉक्टर केशव पांडे जी होते हैं। सर इतना प्यार मिलता है ग्वालियर में आपको, बस मैं आपको एक लास्ट मेरा प्रश्न है आपसे कि इतना प्यार आपको मिलता है, क्या आपने कभी कल्पना की थी कि इतना प्यार मुझे मिलेगा कभी लाइफ में, और जो प्यार आपको मिलता है ग्वालियर वालों से आप क्या कहेंगे? मैं ग्वालियर वालों का बहुत आभारी हूँ और बहुत उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ मैं कि उन्होंने मुझे सबने प्यार मोहब्बत दे के इस लाइन बनाया, क्योंकि ये जितनी संस्थाएं हम चला रहे हैं तो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया और हम मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार किसी CSR से कोई चंदा वंदा पैसा नहीं लेते हैं, पब्लिक सपोर्ट सिस्टम पर इतना बड़ा इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल करना और 25 साल से करना, 2500 बच्चों को विदेश ले जाना, 54 विदेश यात्राएं हमारी हो जाना 12 साल में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो ये ग्वालियर की देन है। और अस्पताल चलाना, आर्म रेसलिंग एसोसिएशन चलाना, रेड क्रॉस चलाना, जूडो कराटे चलाना, कला समूह चलाना, अपना इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ये कम्युनिकेशन सेंटर वाला वो चलाना, और ढेर सारी साहित्य के कार्यक्रम है और ढेर सारे खेलों के कार्यक्रम है, वो सब चलाना, दिन रात काम करना, तो ये सब ग्वालियर की जनता ने कहीं ना कहीं तो सपोर्ट किया ही होगा। तो मैं ग्वालियर की जनता के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग बड़े रूखे हैं और यहाँ के लोग मदद नहीं करते हैं या ये नहीं करते हैं, मेरा कहना ये नहीं, वो बिल्कुल मदद करते हैं, लेकिन मदद उसी को करते हैं जो मदद लेने देने लायक होता है, हर आदमी को मदद नहीं की जाती, और मदद लेने का आप में सलीका और समझ होना चाहिए, अगर आप में इतनी समझ है आप अगर मदद ले सकते हैं तो लोग आपको मदद देंगे, वैसे चल के मदद देने वाले लोग आके बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ और हम अपनी गतिविधियों को भी इंदौर भोपाल दिल्ली अन्य शहरों में भी बढ़ाने वाले हैं। अभी क्या और बचा है? अभी तो बहुत कुछ है करने के लिए और सब पाइपलाइन में है चीज़ें, थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ेंगी तो मैं आपको बताऊँगा जी कि उसमें है, उसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हमें बड़ा काम करना है, अभी उसमें काफ़ी बकाया है काम, तो वो हम कर रहे हैं अपने साथियों के साथ में, और पब्लिकेशन के क्षेत्र में बहुत काम करना है हमें, वो हम कर रहे हैं। किताब आ रही मेरी, मैंने आपको बताया रोड मैप ऑफ सक्सेस, उसमें इंटरव्यू जा रहे हैं लोगों के, वो अपनी कहानी खुद बता रहे हैं कि हम इनसे कब मिले, कैसे मिले और कैसे कैसे चीज़ें सॉल्व हुई, तो वो आ जाएगी 2-3 महीने में आ जाएगी। अच्छा, तो एक बड़ा डॉक्यूमेंट होगा वो, तो हमारे मित्रों ने कहा कि वही बातें बातों में जमा खर्च हो जाती है, आज छपती है कल खत्म हो जाती है, इसलिए उसको किताब के रूप में अगर लाएंगे तो वो आगे वाली पीढ़ी उसे देखेगी और उससे पढ़ेगी, उससे प्रेरणा लेगी, तो उस दिशा में भी काम चल रहा है, तो काम बहुत सारे हैं और ईश्वर है जितना कराएगा उतना। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है और ना रुके हैं ना रुकेंगे, इस पद पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। ये हैं डॉक्टर केशव पांडे जी, निश्चित तौर पर इनके व्यक्तित्व से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और कुछ रह गया है तो जयविलास पैलेस के जनसंपर्क कार्यालय में डॉक्टर केशव पांडे जी मिलते हैं आप लोगों से, आप उनसे एक बार मिलिए जाकर के। सिंधिया परिवार के ऊपर यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं, कोई शोध करना चाहते हैं, अपने विश्वविद्यालय में आप कुछ भाषण देना चाहते हैं सिंधिया परिवार के ऊपर, और उसके लिए आपको अगर कुछ चाहिए जानकारी, तो डॉक्टर केशव पांडे से बेहतर इंसान ग्वालियर में कोई नहीं हो सकता, आप एक बार उनसे जरूर मिलिएगा। इस एपिसोड में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी नए सचेत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।